सभी किसान बागवान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बबीता खाची घुमरे, पीएचडी हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान, आज आपके सामने एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निमेटोड का कंट्रोल कैसे करें। अगर आपके अनार के बगीचे में सूत्रकृमि है तो उनको कैसे नियंत्रण करें। तो आप ये पौधा देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल सिम्टम्स दिख रहे हैं आपके, येलोइंग ऑफ लीव्स हो रखी हैं। आप इसका अगर पूरा पौधा आप देखेंगे तो इसका आधा हिस्सा एकदम लश ग्रीन है और आधा हिस्सा एकदम येलो हो रखा है, पीला हो रखा है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जैसी आती है वैसे ही सिम्टम आपके निमेटोड अटैक के आते हैं। पत्तियाँ पूरी पीली पड़ जाती है, थोड़ी मुरझाई हुई दिखती है। और ये आधे ही हिस्से में क्यों आता है, क्योंकि ये मल्टी स्टेम सिस्टम पे है। आपके जो इस तरफ की जड़ें हैं उनको निमेटोड ने अटैक कर रखा है, वहाँ पे उसकी गांठें बन रखी है, वहाँ पे उसके नॉट्स बने हुए हैं। आइए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कहाँ पे नॉट्स हैं इसके। ये हमने यहाँ से निकाले हैं वाइट रूट रॉट, वाइट जो इसकी रूट्स हैं आपको सामने से निकाल के दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें नॉट्स बनी हुई हैं, ये निमेटोड्स की नॉट्स हैं। ये इसी में से ही निकाला है, ये देखिए कितनी सारी नॉट्स बनी हुई हैं। ये पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। ये जो ये देखिए, ये गांठें बनी हैं, नॉट्स बनी हुई हैं, ये निमेटोड्स की नॉट्स हैं। जब ये क्या कर देती हैं, एकदम से पोषक तत्वों का रास्ता ब्लॉक कर देती है। ये यहाँ इसमें बीच में सूत्रकृमि बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसको लैब में जाके टेस्ट करते हैं तो इसमें से सूत्रकृमि निकलेंगे। और अब बात करते हैं उपाय योजना की, कि अगर आपके अनार के प्लॉट में निमेटोड्स हैं तो आपको क्या उपाय योजना करनी चाहिए। एक तो आप गोबर की स्लरी के साथ जो है बायो फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, पेसिलियोमाइसिस हो गया, पोकोनिया क्लेमेडोस्पोरिया हो गया। इनको आप अलग अलग भी डाल सकते हैं और एक साथ मिश्रण बना के गोबर की स्लरी के साथ आप इसको अपने अनार के बगीचे में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके बगीचे में निमेटोड का बहुत ज़्यादा अटैक है, इमरजेंसी है कि आपको लग रहा है अब तो पौधे मर ही जाएंगे, उस टाइम पे आप टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए फ्लियोपायरम, जो कि 38.48% एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसमें हैं, उसका 1 से 1.5 ml 1 लीटर में घोल बना के 2 लीटर प्रति पौधे में आपने उसकी ड्रेंचिंग करनी है। ये आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन है लेकिन इमीडिएट रिलीफ देगा आपको। इमरजेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गोबर गैस और बायो फर्टिलाइजर्स की स्लरी है वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला है, जिसको आपने हर महीने जो है रिपीट करना है, ठीक है। तो ये था आपका निमेटोड पे वीडियो, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँचे। अगर आपको लगता है ये महत्वपूर्ण जानकारी है, कैसे निमेटोड के सिम्टम्स को पहचानें अपने बगीचे में, ये आपको दिखा दिया है, कैसे आप रूट्स में से देख सकते हैं कि निमेटोड्स हैं आपके पौधे में कि नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए या फिर क्रॉप स्पेसिफिक जानकारी के लिए आप हमारे ग्रे मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप हमें क्वेरीज भेज सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आपको उसके आंसर्स मिलेंगे एक्सपर्ट के द्वारा। थैंक यू।